हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ MCO 21 मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है हाउ इज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू डिफरेंट डिसिप्लिन। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। एंड MCO 21 के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिनका एडमिशन January 2022 में हुआ है, उनका कोर्स कम्प्लीटली चेंज्ड है। एमकॉम के स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन January 2022 में हुआ है, उनका कोर्स चेंज हो चुका है। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स को फर्स्ट ईयर में ला दिया गया है, प्लस कुछ और सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। सेकेंड ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है MCO 1, MCO 4, MCO 5, MCO 6, इसको फर्स्ट ईयर में ला दिया गया है January 2022 में जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपका क्या क्या होगा? ये तीन सब्जेक्ट मैंने जो आपको बताए, MCO 1, MCO 4, MCO 5, इसके अलावा MCO 21, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। सेकेंड सेमेस्टर में MCO 22, 23, 24 और MCO 6 आपका सेकेंड सेमेस्टर में होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का कोर्स है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं MCO 21 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो MCO 21 में जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे वो ये है कि किस तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ है, या किस तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो एक तरीके से उसको जो करना है, अगर आपको उस चीज को पढ़ना है तो उसके लिए आपको दूसरे डिसिप्लिन के ऊपर, दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आपको थोड़ा सा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनकी भी आपको स्टडी करनी होगी, ठीक है ना? तो इसके बारे में हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सो दिस इज आवर क्वेश्चन, हाउ इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज लिंक्ड विद वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी, लाइक सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। तो किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से जुड़ा हुआ है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। एज स्टेटेड इन द इंट्रोडक्शन, द रूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्प्रिंग फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। प्राइस थ्योरी, डिमांड कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज्ड बाय मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि इंट्रोडक्शन से कहा जा रहा है, इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रूट्स है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। देखो, इकोनॉमिक्स यहाँ पे दो शब्दों से बना है, एक है मैनेजरियल, दूसरा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक हमारा क्लास 11 में था, मैक्रो क्लास 12 में था, इवन ग्रेजुएशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो माइक्रो में जो हम लोग पढ़ते थे प्राइस थ्योरी, किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन करेंगे, डिमांड जो कॉन्सेप्ट होता था, या फिर जो डिफरेंट चीजें होती थी डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने क्लास 11 में करी थी, ये बहुत हद तक उस पर रिलेट, मतलब एक तरीके से डिपेंडेंट है। अगर आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है ना? तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो जो रूट्स है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रूट है, वो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से ही आपको मिलेगा। जिस तरह से प्राइस थ्योरी, डिमांड कॉन्सेप्ट और थ्योरी ऑफ मार्केट हम लोगों ने किया हुआ है, आर फ्यू एलिमेंट्स, वो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हैं, जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं टू डू देयर वर्क, है ना? इट हैज एन अप्लाइड बायस एज इट अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज इन ऑर्डर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्राइज, है ना? तो जो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, इसका इस्तेमाल करके जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं, वहां पे फिर इन सब का इस्तेमाल जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जाता है। जितने भी इंटरप्राइजेस हैं वहां पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होगा, और वहां पे जो बेसिक चीजें होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड होती हैं, जिसका एप्लीकेशन वो लोग करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? So this is the first topic that we have discussed. Now let's move on to the next topic, which is macro economic theory. तो ये macro economic theory किस तरीके से managerial economics के साथ linked है, इसके बारे में हम बात करेंगे। Yes, so this field has a little relevance for managerial economics, but at least one part of incorporated in managerial economics, that is national income फॉरकास्टिंग। देखो, तो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में जो हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल इनकम, जीडीपी, एनएनपी, ये वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज है जो कि थोड़ी थोड़ी सी इसमें रिलेटेड होती है, वो है नेशनल इनकम फॉरकास्टिंग, ठीक है ना? तो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का जो रिलेवेंस है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, जो कि है नेशनल इनकम। तो कम्प्लीटली ये डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन पार्टली ये मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है? द लैटर कुड बी एन इम्पॉर्टेंट एड टू बिजनेस कंडीशन एनालिसिस। अब देखो, यहाँ पे बिजनेस कंडीशन एनालिसिस की बात की जा रही है, विच इन टर्न कुड बी अ वैल्यूएबल इनपुट फॉर फॉरकास्टिंग द डिमांड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्रुप्स। आपका कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसका डिमांड आपको पता करना है कि मार्केट उसका डिमांड कैसा है, तो उस चीज में आपको मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं,
ठीक है ना। तो ये सारी डिसिप्लिन है जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उस केस में आपको मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च भी एक तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दिस फील्ड इज यूज इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, है ना। तो ऑपरेशन रिसर्च में क्या हो रहा है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास बेस्ट पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसा कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है, आपने वहां पे आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे जिससे आपका जो आउटकम है वो बेस्ट निकलेगा, ठीक है ना। आपके पास अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए आप सारा का सारा तो अपना एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान जो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, उसके अलावा जब आपके पास पैसे बच जाते हैं इन चीजों के खर्च करने के बाद, तो फिर आप एंटरटेनमेंट के ऊपर या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी लाइवेस्ट चीजें हैं उसके ऊपर आप खर्च करोगे, है ना। बट जो बेसिक नीड है ना, वो आपको पूरा करना होता है। तो यहाँ पे भी वही बात बोली जा रही है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, किसी भी काम को करने का जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी आपको उसको चूज करना है कि ये मेरा बेस्ट है, इसी से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैक्सिमम आउटकम मिलेगा। तो उस केस में ऑपरेशन रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस चीज के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबल होती है। आई मीन ऑपरेशन रिसर्च रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के तहत किया जाता है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ ग्रेट एड इन डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री एज इट कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक डिटरमिनेशन ऑफ फैसिलिटीज और मशीन स्केड्यूलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज एंड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग मैथ्स में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है वो एक तरीके से जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, कि किस तरीके से कौन सा, जैसे कि पहले भी यहाँ पे बोला गया कि आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे चूज करना है। तो ये जो आप डिसीजन मेकिंग करोगे कि ये मेरे लिए बेस्ट होने वाला है, उसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है एक तरीके से, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ ग्रेट एड, ये एक तरीके से हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में बिजनेस और इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि डिटरमिनेशन ऑफ फैसिलिटी हो गया, मशीन स्केड्यूलिंग के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज हो गया, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स हो गया। ये सारी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। आई होप कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा प्रोडक्ट मिक्स वगैरह। तो यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है कि जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं उसमें आपको एक तरीके से मिक्स करना होता है कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है, मतलब कैसे बताऊं, प्रोडक्ट प्राइस इस तरीके से करके था। अच्छा, वो टॉपिक कभी कराऊंगा तो फिर मैं डिटेल में बता दूंगा, ये टॉपिक भी होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये वो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हेल्प करने में ऑपरेशन रिसर्च जो है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो हेल्प करता है। तो ऑपरेशन रिसर्च भी एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसी को एक तरीके से एक्सटेंशन पार्ट है आप बोल सकते हो ऑपरेशन रिसर्च का, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे जो डिसीजंस है उसको लेने के लिए हम लोग किस तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। सो डिसीजन थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड टू डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी वेर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फिगर्स रिक्वायर्ड फॉर द यूटिलिटी कैलकुलस आर नॉट अवेलेबल, है ना। तो डिसीजन थ्योरी का जो जो डेवलपमेंट है वो इसलिए किया गया था ताकि आप जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है, तो वहां पे आप कैसे करोगे, तो डिसीजन थ्योरी यहाँ पे रोल प्ले करती है अपना, ठीक है ना। तो डिसीजन थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, आपके पास दो तीन चॉइसेस अवेलेबल है उसमें से कौन सा चॉइस आपको लेना है, कौन सा चूज करना है, इसके लिए डिसीजन थ्योरी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये कब किया जाता है, जब यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है डिसीजन में कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फिगर्स होते हैं जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। देखो, जब भी हम डिसीजन लेंगे तो किसी ना किसी को बेस बना करके डिसीजन लें, मेरा डिसीजन जो है वो एवे ही नहीं होगा, है ना। किसी ना किसी रिसर्च करेंगे कुछ चीजों के ऊपर, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, फिर हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि ये ठीक है हमारे लिए। तो उसके लिए कोई बेस होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में ले लेंगे, ठीक है ना। तो वो जब फिगर अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पे यूटिलिटी कैलकुलस की बात की जा रही है, जब उसके लिए फिगर अवेलेबल नहीं होगा जिसके जरिए आप इसको निकाल सको, तो उस केस में जाकर के आपको डिसीजन थ्योरी का इस्तेमाल करना होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस एक तरीके से क्रिएट हो जाती है और वहां पे आपको फिर डिसीजन लेना पड़ता है। सो इकोनॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस ऑन अ सिंगल गोल, वेयर डिसीजन थ्योरी ब्रेक्स न्यू ग्राउंड by recognizing multiplicity of goals and persuasiveness of uncertainty in the real world of management।
ठीक है, तो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो एक तरीके से उसका जो एजम्पशन होता है वो एक ही गोल के ऊपर होता है, उनका एक सिंगल गोल होता है, उसी के ऊपर वो लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप डिसीजन थ्योरी करोगे, जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को तलाशोगे, उसके ऊपर डिसीजन लेने की कोशिश करोगे, तो वहां पे नई चीजें निकल करके आएंगी, जहां पे आपका जो जो गोल्स है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ गोल्स हो जाएगा। जो एक गोल्स होगा वो एक तरीके से बढ़ जाएगा कि पहले इसको करना है, फिर उसको करना है, फिर उसको करना है ना। तो यहाँ पे चीजें एक तरीके से और बेहतर होने लगती है जब आप डिसीजन थ्योरी करते हो, ठीक है। और परसुएसिवनेस आ जाती है, क्योंकि जो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे देखो, एक ही प्रॉब्लम नहीं होता। जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वहां पे प्रॉब्लम्स भी नई नई आती हैं, ठीक है ना। एक ही किस्म का नहीं होता, तो वहां पे चीजें जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता पड़ती है। वहां पे चीजों को आप एक ही वे में, रिजिड वे में काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा। तो उस केस में डिसीजन थ्योरी काफी काम आती है, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल आप करवाते हो, मतलब इसको करने के बाद अवेलेबल हो जाते हैं, तो जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाते हो, ठीक है। तो इस केस में भी ये काफी काम आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यस, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से हमें डेटा पता चलता है कि डेटा क्या कह रहा है हमें, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे फिर डिसीजंस लिए जाते हैं, या फिर जो भी चीजें हम लोग काम करते हैं बिजनेस में, वो सारी की सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन एम्पिरिकल टेस्टिंग ऑफ थ्योरी विद इट्स हेल्प बेटर डिसीजन रिलेटिंग टू डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शंस, प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस आर टेकन, है ना। तो ये जितने भी सारे जो फंक्शंस है, देखो डिमांड हो गया, कॉस्ट फंक्शंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स रिलेटेड कोई फंक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई फंक्शन हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। विदाउट स्टैटिस्टिक्स इन सारे, एक तरह से हम डिसीजन तो ले लेंगे, लेकिन बेटर डिसीजन अगर आपको लेना है, बेटर आउटकम अगर आपको चाहिए, तो उस केस के लिए, उस चीज के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो ही आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन स्टैटिस्टिकल मैथड। तो जो मैंने कहा वही बात यहाँ पे बोली गई, ठीक है। आखिरी जो यहाँ पे पॉइंट है वो है मैनेजमेंट थ्योरी एंड अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट थ्योरी एंड अकाउंटिंग ये भी एक डिफरेंट डिसिप्लिन है, जो कि एक तरीके से रिलेटेड है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के साथ। कैसे? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हैज बीन रिगार्डेड एज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ द फर्म इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन जो थ्योरी है, जो जो सेंट्रल कंसेप्ट है, वहां पे जो उनका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि किस तरीके से वो लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है आपका वो बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है ना। जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे जो आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, और डेफिनेटली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के साथ वो चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक तरीके से सेंट्रल कंसेप्ट के रूप में काम करता है, जिसमें उनका मेन मोटिव होता है कि वो किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स ऑर्गेनाइजेशंस थ्योरीज हैव टॉक्ड अबाउट सेटिस्फाइसिंग इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग, है ना। यहाँ पे देखो सेटिस्फाइसिंग के ऊपर बात की जा रही है, कि हम लोग सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं खुद को विद डूइंग सम जो भी वर्क हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स में, बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल करने की कोशिश कर चूज करने की कोशिश करते हैं। सेटिस्फाइसिंग इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइज। अब जो देखो यहाँ पे सेटिस्फाइसिंग, यहाँ पे छोटे लेवल पे बात की जा रही है, ठीक है ना। तो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता बिजनेस को तो पड़ेगी नहीं, बिजनेस का मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना उनका मेन काम होता है। तो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट देयर इज देयर सोल वर्क, सोल ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब भी इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम सेटिस्फाई करने की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग। बट अभी जो रिसेंट टाइम्स में हो रहा है, या फिर बिजनेस में पहले भी होते आया है, कि लोगों का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं और स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट। अकाउंटिंग डेटा एंड स्टेटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। जो भी अकाउंटिंग डेटा हमारा तैयार होता है, ये हम लोगों ने क्लास 11th 12th में भी करा था, कि किस तरीके से अकाउंटिंग डेटा जो होता है वो बिजनेस के लिए एक लैंग्वेज के रूप में काम करता है, कि बाहर से कोई बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा आपके बिजनेस में, तो उसको समझ में आ जाएगा आपका अकाउंटिंग डेटा और स्टेटमेंट देख करके कि आप कितनी अच्छी कंपनी हो, एंड इफ यू आर अ गुड कंपनी दे विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी। सो अकाउंटिंग डेटा एंड स्टेटमेंट्स आर वर्किंग एज अ लैंग्वेज फॉर द बिजनेस, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, अकाउंटिंग डेटा एंड स्टेटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज जो भी डेटा निकल के आ रहा है, लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे आपकी कंपनी में लोग, ठीक है। इनफैक्ट द लिंक इज सो क्लोज दैट मैनेजरियल अकाउंटिंग हैज डेवलप्ड एज अ सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड इन इटसेल्फ। हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा ये टॉपिक ऑलरेडी, मैनेजरियल अकाउंटिंग हम लोगों ने किया है,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा क्लास बीकॉम का जो फर्स्ट ईयर पहले जो था उसमें भी हमारा फर्स्ट ईयर नहीं सेकंड ईयर आपका एमसीओ फाइव आपका इसी ईयर में है, इसी सेमेस्टर में, तो उसमें भी ये टॉपिक है ना, मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजंस, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, वहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। तो किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये बात यहाँ पे बोली गई। तो दिस इज आर टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया कि किस तरीके से वो सारी चीजें जो है डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ रिलेटेड हैं या डिपेंडेंट हैं, किस तरीके से दोनों आपस में मिल करके साथ में काम करती हैं, और एक यू नो जो उनका सोल पर्पस होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, उसको अचीव करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।